आज के बच्चे और जो नौजवान हैं वो जब कोई गोल बनाते हैं तो वो अक्सर बहुत सारे ऐसे मसाई में गिर जाते हैं। अक्सर उनमें सबसे पहले उनके घर की तरफ से अगेंस्ट इश्यूज आना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने गोल से हटना शुरू होते हैं। या अगर कोई बच्चा कोई चीज हासिल करना चाह रहा है, यानी वो साइंस लेना चाहता है, तो उसे कहा जाता है कॉमर्स लो, क्योंकि फलाने कॉमर्स ली थी, देखो वो कहाँ है आज। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हम फेस करते हैं। और अक्सर क्या होता है कि जैसे कोरोना आया था तो कोविड में हमारे बच्चे एजुकेशन से बहुत बैक हुए, उन्होंने ऑनलाइन पेपर्स दिए। जो ऑनलाइन पेपर क्राइटेरिया था वो बहुत ही बैक था, यानी कि उसमें हम किस तरह पेपर दे रहे थे आप समझ सकते हैं। और अब जब फिजिकली पेपर लिए गए तो हमारे बच्चों का रुझान बहुत बैक है। सोशली देखा जाए तो वो अक्सरियत के पास मोबाइल आ चुका है, और गेम और दूसरी ऐसी एक्टिविटीज जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। और अक्सर बच्चों के सवाल आते हैं हम किस तरह से अपने वक्त को तालीम की तरफ लेके जाए। तो एक चीज जो देखी जाए, आजकल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बड़ा कल्चर आम है, तो उधर कितने घंटों चैट और पता नहीं क्या क्या आप कर रहे होते हैं, उसके लिए आपको कौन मोटिव करता है यार ये काम कीजिए। आपका दिल चाह रहा होता है, बड़े मजे के रोल होते हैं, आपके चेहरे पे खिलखिलाहट होती है बड़ी अच्छी वाली, तो वो खिलखिलाहट अगर थोड़ी सी एजुकेशन में लाते हैं तो एजुकेशन भी आपको थोड़े दिन तो मुश्किल होगी, क्योंकि आपने उसको करना छोड़ दिया। ये मैं उन बच्चों की भी बात कर रहा हूँ जो पढ़ते थे। कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्ट्स में पीछे होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। टोटल अगर हम सैम्पलिंग उठाएं तो अक्सरियत बच्चे बैक टू है, जितना पढ़ते थे उसके लिहाज से उतना टाइम वो नहीं लगा रहे। अब हो क्या रहा है, अलमिया क्या है कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, आज उन्हें लग रहा पढ़ रहे हैं लेकिन वो ये उनकी ये मंजिल नहीं थी, वो ये हासिल नहीं करना चाहते थे, वो बहुत बड़ा हासिल करना चाहते थे लेकिन अपनी गोल चढ़ गए। और फिर कहते हैं कि जब आप एक दफा गिरते हैं तो उठना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने काम की वैल्यूज को समझें, वैल्यूज क्या है, और अपनी वैल्यूज को भी समझें। हर किसी के लिए, हर शख्स के लिए अपने आप को बर्बाद नहीं करें। जब आप बन जाएं, इसको भी टाइम लगेगा, उम्र आएगी, होगा, सारा बनेगा, लेकिन टाइम आने पे वक्त का इंतजार कीजिए। जब वक्त आ जाए तो अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन रास्ते निकाले। और साथ साथ आपकी जब एजुकेशन कंप्लीट होगी, कहते हैं कि लड़के के पास पैसा अच्छा हो, उसको बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत अच्छा होता है, उसके अखलाक भी अच्छे हो जाते हैं, उसकी फॉलोइंग भी बढ़ जाती है। और माजरत के साथ इस दौर में अखलाक को तरजीह नहीं दी जाती, पैसे को तरजीह दी जाती है, आप भी समझते हैं। तो अपनी अहमियत को बढ़ाइए, अखलाक को भी बेहतर कीजिए। हमेशा आपके पैसा काम नहीं आना, पैसा चीजें खरीदने के काम आएगा, अखलाक दिल में जगह बनाने के काम आता है, तो दिल में जगह बनाइए। ये आप आज से जो मेहनत कर रहे हैं ये आपकी जॉब्स, जब आप एजुकेशन से किसी फील्ड से हटते हैं तो आप समझते हैं तो एजुकेशन है तो कोई जॉब का लेना देना नहीं है। इसी तरह आप किसी जॉब में जाएंगे, थोड़े दिन बाद वहां से आपका दिल हटेगा और आप बोलेंगे जॉब से मैंने रिजाइन देना है। आपके अंदर कंसिस्टेंसी की लैकिंग आना शुरू हो चुकी है, इसके बारे में क्वेश्चन मार्क लगाइए और खुद बैठिए वर्क कीजिए कि आप क्या हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, कोई और बताएगा नहीं। सब आप के साथ बैठ के वो बातें करेंगे जो आपके काम की नहीं होंगी, या कोई भी आप काम करोगे आपको ऐसी ऐसी बातें मशवरे देंगे जो उनको खुद भी नहीं पता होगा, और ऐसे ऐसे लोग मशवरे देंगे कि जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं होगा, जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया वो आपको क्या सिखाएंगे कुछ। तो ऐसे लोगों के पास बैठिए, ऐसे सर्कल से बैक टू ये, अगर आपके कोई दोस्त हैं या मेहमान आए हैं या कोई भी ऐसी चीज जो आपको निगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ऐसे हो, आप फला हो, उनसे पूछो आपने क्या किया है, आपने कुछ ऐसा किया है। बातें करना आसान होती है, तो बातों पे गौर नहीं करना बल्कि ये देखना है कि इस बंदे ने करा क्या है, अगर उसने कुछ किया है तो उसकी बात सुनना अच्छा है।
और पूजा करें। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते? उनके पास जवाब नहीं होगा, तो लिहाजा ऐसे लोगों से दूर होइए, अपने गोल देखिए और गोल वो बनाइए जो रियलिस्टिक हो, समझिए, इंशाल्लाह आप कामयाब हो।